हर खबर से बाखबर हमारी है हर खबर पर नजर, एशियन टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। ये पतंग हो मजलूमों के सरपरस्त हक परस्त हक परस्त। किसको वोटेंगे आप? क्या निशान का बटन दबाएंगे? गली गली घर घर कूचा कूचा होटल में पान के डब्बे पे फ्रूट की बंडी पे हर जगह खाली बोलना क्या बोलना पतंग 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 पतंग। हमारी है ये निशान हमारा है ये पतंग हमारी है ये निशान हमारा है। इस पतंग पर ही हमने मोहर को लगाना है। इस पतंग पर ही हमने मोहर को लगाना है। ये पतंग हमें पतंग को लाना है हमें उसको जिताना है। ये पतंग हमारी है ये निशान हमारा है। ये पतंग हमारी है ये निशान हमारा है। शहदा के लहू का रंग कायद की पतंग में है। शहदा के लहू का रंग कायद की पतंग में है। कायद के घर का भी खून अपनी पतंग में है। कायद के घर का भी खून अपनी पतंग में है। हपरस्तों का ये अलम हपरस्तों का ये अलम हमको लहराना है हमको लहराना है। ये पतंग हमारी है ये गुजरात का मुसलमान देख रहा है तो मजलिस की तरफ। मुजफ्फरनगर का मुसलमान देख रहा है तो मजलिस की तरफ। इशरत जहां के खानदान वाले देख रहे हैं तो मजलिस की तरफ। एहसान जाफरी की बेवा देख रही है तो मजलिस की तरफ। वो हिंदुस्तान का हर मुसलमान देख रहा है तो मजलिस की तरफ। खुदारा मुसलमानों को हमको मायूस नहीं करना। मजलिस को गैर मामूली कामयाबी देना उम्मीद पतंग ही है। शहदा के घरों की उम्मीद पतंग ही है। पाओ चल भी पतंग ही है। आने वाली नस्लों को ये याद दिलाना है। मेरे ये पतंग हमारी है ये निशान हमारा है। तो मीनार हमारी निशानी, लाल किला हमारी निशानी है, ताजमहल हमारी निशानी है। ये चार मीनार हमारी अजमत की निशानी। इस मुल्क को अपने ही पुरखों ने बनाया था। इस मुल्क को अपने ही पुरखों ने बनाया था। इस मुल्क की खातिर ही सब कुछ लुटवाया था। इस मुल्क की खातिर ही हिंदुस्तान के भाइयों नौजवानों को आवाज दे रहा हूँ कि जहां तक मेरी आवाज तुम तक पहुंचती है मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ मुखलिसाना अपील कर रहा हूँ इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क को सेक्युलर रखना है वरना ये मुलायम सिंह ये बीजेपी ये कांग्रेस इनमें इतनी ताकत नहीं है कि मुल्क
को सेक्युलर रख सके। उठो अपने मुल्क को बचा लो, यही हमारे लिए तुर्रे इम्तियाज है, यही हमारे लिए तुर्रे इम्तियाज है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है, ये हमारे लिए ऑनर है, ये मुल्क हमारा, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाने के लिए आओ, अपनी जमात में मुस्लिम का साथ दो। जाकर वापस आने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। गोलियां खाकर, चाकों की जरब लेकर अपने खून से इस सरजमीन को सुर्ख करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ना फखरे मिल्लत जेल से डरे थे, ना सालार जेल से डरे, ना नखीवे मिल्लत जेल से डरे, नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी जेल से डरता है। तैयार है सूरी पे लड़कने, तैयार है जेल में जाने, तैयार है लेकिन इजारे हक से मुंह मोड़ने तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। कभी मुसलमान सियासी तौर पर मजबूत ना हो जाए, कभी दलित इनके गुलामी की जंग